साल 1926 में दिल्ली की एक लड़की का जन्म होता है जो 4 साल की उम्र में ये दावा करती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसे अपने पति और बच्चे के पास जाना है। जरा सोचिए, एक 4 साल की बच्ची ने अचानक से पुनर्जन्म की बातें करना क्यों शुरू कर दिया और क्या सच में धरती पर उसका दोबारा जन्म हुआ था? आखिर कौन थी ये बच्ची जिसके पुनर्जन्म की बातों पर महात्मा गांधी और विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर यकीन करने पर मजबूर हो गए थे? शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी। हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसका नाम शांति देवी था, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। शांति देवी बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थीं, जिन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया था। इस बात से शांति देवी के पिताजी बाबू रंग बहादुर और उनके परिवार के सदस्य काफी परेशान रहते थे। हालांकि 4 साल की उम्र में शांति देवी ने टूटे फूटे शब्द बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन शांति देवी ने जब बोलना शुरू किया तो उनके परिवार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल शांति देवी 4 साल की उम्र में अपने पति और बच्चे के बारे में पूछती थी, जबकि आमतौर पर इस उम्र के बच्चे खाने पीने और बाहर खेलने की जिद करते हैं। शुरुआत में शांति देवी के परिवार ने उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अक्सर मेरे पति और बच्चे कहाँ हैं जैसे सवाल किया करती थी। इस तरह 2 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन शांति देवी की बातों में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि अब वो साफ साफ बोलने लगी थी और उन्होंने अपने परिवार को अजीबोगरीब बातें बताई, जिन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। शांति देवी का कहना था कि ये उनका पुनर्जन्म है और उनका असली घर मथुरा में है, जहां उनके पति और परिवार रहता है। अब रंग बहादुर को अपनी बेटी की सेहत की चिंता होने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और शांति देवी का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि डॉक्टर को शुरुआती जांच में किसी बीमारी के संकेत नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से शांति देवी के इलाज को बीच में रोक दिया गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शांति देवी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन शांति के दिमाग में अपने पति और परिवार से मिलने का फितूर सवार हो गया था। वो अक्सर स्कूल में अपने साथियों के साथ मथुरा की लोकल भाषा में बातचीत करती थी, जबकि खुद को चौबाइन कहकर बुलाती थी। जब शांति देवी की उम्र 9 साल हुई तो उन्होंने अपने पिता के सामने मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शांति की बातों पर यकीन करके उसे मथुरा ले जाना बेवकूफी था, जिसकी वजह से रंग बहादुर ने अपने एक रिश्तेदार बाबू बिशन चंद से संपर्क किया। उस वक्त बाबू बिशन चंद दरियागंज में एक स्कूल के अध्यापक हुआ करते थे, जिन्होंने शांति से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वो उनके सवालों के सही जवाब देगी तो वो उन्हें मथुरा ले जाएंगे। बस फिर क्या था, बाबू बिशन चंद ने शांति देवी से उनके पति का नाम पूछा और शांति ने बहुत ही उत्सुकता के साथ जवाब दिया, पंडित केदारनाथ चौबे। इसीलिए शांति देवी खुद को चौबाइन कहलाना पसंद करती थी। इसके बाद बाबू बिशन चंद ने मथुरा में रहने वाले पंडित केदारनाथ चौबे के घर का पता और जरूरी डिटेल्स का पता लगाया और उन्हें खत लिखा, जिसमें उन्होंने शांति देवी द्वारा कही गई बातों का जिक्र किया था। जब ये खत केदारनाथ चौबे के पास पहुंचा, तो उसमें लिखे एक एक शब्द को पढ़कर उनके पसीने छूट गए थे। हालांकि केदारनाथ सीधा शांति देवी से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक 9 साल की बच्ची उन्हें अपना पति कैसे बता सकती है। लिहाजा केदारनाथ ने अपने चचेरे भाई पंडित कांजीमल से संपर्क किया था, जो उस वक्त दिल्ली में ही रहते थे। केदारनाथ ने कांजीमल से कहा कि वो शांति देवी से मुलाकात करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि वो सच बोल रही है या नहीं, जिसके बाद कांजीमल शांति देवी से मिले और उसने कुछ सवाल जवाब किए। शांति देवी ने बताया कि मथुरा में उनके घर के आंगन में एक कुआं है, जबकि उनके पति साड़ी की दुकान चलाते हैं। कांजीमल भी उस व्यापार का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वो केदारनाथ से अलग होकर अपनी दुकान शुरू करना चाहते थे। एक 9 साल की बच्ची के मुंह से ये बातें सुनने के बाद कांजीमल हैरान रह गए, क्योंकि ये उनके परिवार की निजी बातें थीं, जिसके बारे में किसी बाहर के व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। पंडित कांजीमल बहुत ही हैरत के साथ वापस अपने घर लौटे और उन्होंने केदारनाथ को सारी बातें बताई, जिसके बाद केदारनाथ के मन में शांति देवी से मुलाकात करने की इच्छा जगने लगी। इसके बाद केदारनाथ अपने बेटे और पत्नी के साथ तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। उस वक्त केदारनाथ के साथ उनके भाई कांजीमल भी थे, जिन्होंने केदारनाथ का परिचय नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि ये मेरे भाई हैं।
लेकिन केदारनाथ को घर के दरवाजे पर खड़े देखकर शांति देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं, जबकि उससे पहले शांति देवी ने केदारनाथ को कभी नहीं देखा था। इसके बाद केदारनाथ ने पूरी रात बैठकर शांति देवी से अहम सवाल किए, जिनके शांति देवी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिए थे। इसके साथ ही शांति देवी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम दोनों ने तय किया था कि किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा शादी नहीं करेगा, फिर आपने शादी क्यों कर ली। इतना ही नहीं, शांति देवी ने केदारनाथ के बेटे को भी पहचान लिया था, जिसकी उम्र उस वक्त 10 साल थी। शांति देवी ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और बोली कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि पिछले जन्म में शांति देवी ने उस बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि एक 9 साल की बच्ची 10 साल के लड़के को अपना बेटा बता रही थी। इन सब बातों से ये तो तय हो चुका था कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन केदारनाथ चाहकर भी उन्हें अपने साथ मथुरा नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि नए जन्म के साथ शांति देवी की जिंदगी में नए रिश्ते, नए चेहरा और नया परिवार शामिल था। इसके बाद केदारनाथ अपने परिवार के साथ वापस मथुरा लौट गए, जबकि शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी दिल्ली समेत पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। पिछले जन्म में कौन थी शांति देवी? 9 साल की शांति देवी जिस पिछले जन्म की बात कर रही थी, उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से था। 18 जनवरी 1902 में मथुरा में रहने वाले चतुर्भुज नाम के व्यक्ति के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम लुगदी रखा गया था। जब लुगदी की उम्र 10 साल थी तो उनकी शादी मथुरा के कपड़ा व्यापारी पंडित केदारनाथ चौबे से करवा दी गई थी। ये केदारनाथ चौबे की दूसरी शादी थी, जिनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही लुगदी गर्भवती हो गई थी। हालांकि कम उम्र में मां बनने की वजह से लुगदी को काफी मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। ऑपरेशन के दौरान लुगदी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, जबकि उनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि साल 1925 में लुगदी एक बार फिर गर्भवती हुई, जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। हालांकि बच्चे के पैदा होने के महज 9 दिन बाद ही लुगदी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से 4 अक्टूबर 1925 को उनकी मौत हो गई। इस घटना के ठीक एक साल बाद दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ था, जिन्हें 4 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म से जुड़ी बातें याद आने लगी थी और उनकी ये बातें मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी थी। ये बात उड़ते उड़ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने शांति देवी से मुलाकात की और उनसे पुनर्जन्म से जुड़े सवाल किए। शांति देवी से बातचीत करने के बाद महात्मा गांधी को भी उनकी बातों पर यकीन होने लगा था, लिहाजा उन्होंने पुनर्जन्म से जुड़े इस मामले की जांच करने के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बनाई थी, जिसे शांति देवी के पुनर्जन्म से जुड़ी पड़ताल करके एक रिपोर्ट पेश करनी थी। इसके बाद वो कमेटी शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही एक शख्स के पैर छू लिए थे। ये शांति देवी यानी लुगदी के जेठ लगते थे, जिसके बाद शांति ने खुद स्टेशन से लेकर घर तक का रास्ता बताया था। ऐसे में जब शांति देवी घर पहुंची, तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छुए, जो पिछले जन्म में उनके ससुर थे। इसके बाद शांति देवी के ससुर ने उनसे कुछ सवाल पूछे और कहा कि कटोरी किसे कहते हैं, तो शांति ने जवाब दिया कि कटोरी पराठे को कहते हैं। उस दौर में मथुरा के कुछ परिवार में पराठे को कटोरी कहा जाता था, जिसमें केदारनाथ के परिवार का नाम भी शामिल था। इसके बाद शांति देवी घर की दूसरी मंजिल में गई, जहां एक कमरा था। शांति देवी ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस जगह पर मैंने पैसे छिपाए थे, उन्हें किसने निकाला। शांति देवी की इस बात से केदारनाथ हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि वो पैसे मैंने निकाल लिए थे, जिसके बाद शांति देवी ने अपने पड़ोसियों के बारे में बताया और अपने पिछले जन्म से जुड़े तथ्यों को सबके सामने रखा। इसके बाद वो कमेटी शांति देवी के साथ वापस दिल्ली लौट आई, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट के मुताबिक शांति देवी के पुनर्जन्म को बिल्कुल सच माना गया था। इस रिपोर्ट को देश के कई नामी अखबारों में छापा गया था, जबकि कई विदेशी अखबारों ने भी इस खबर और पुनर्जन्म की कहानी का रुख किया था, क्योंकि इसका ताल्लुक महात्मा गांधी से था।
इसके बाद देश और विदेश के कई पत्रकारों ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने अपनी पिछली बातों को दोहराते हुए खुद को लुगदी बताया था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब मृत्यु के बाद इंसान का दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो उसकी यादें किसी नवजात बच्चे के दिमाग में कैसे विकसित हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई लोग इस बात पर यकीन करते थे कि शांति देवी को लुगदी देवी के जीवन से जुड़ी अहम बातें पता थी या फिर उन्होंने उन बातों का अंदाजा लगाया था। हालांकि तुक्के में उनके द्वारा बोली गई बातें सच साबित हो गईं। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत ने शांति देवी का एक निजी इंटरव्यू लिया था, जिससे एक ऐसे तथ्य के बारे में पता चला जो शांति देवी की मृत्यु के बाद सामने आया था। कहा जाता है कि लुगदी के पति केदारनाथ अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली आया करते थे, जहां वो कुछ दुकानों से कपड़े खरीदते थे। ये दुकानें रंग बहादुर के घर के सामने थीं, जबकि उस वक्त रंग बहादुर की बेटी शांति बहुत ही छोटी हुआ करती थी। संभव है कि शांति देवी ने केदारनाथ को कई बार आते जाते देखा हो और इस वजह से उनके दिमाग में केदारनाथ की एक छवि छप गई, जिसे लेकर उन्होंने खुद को केदारनाथ की पत्नी कहना शुरू कर दिया था। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है, जबकि ये भी एक अहम सवाल है कि 3 से 4 साल की बच्ची किसी आदमी को देखकर मनगढ़ंत कहानी कैसे बना सकती है जो कि बिल्कुल सच साबित हो जाए। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म से जुड़ी जो भी बातें बताई थी उनमें से सभी बातें बिल्कुल सही थी। केदारनाथ और उनके परिवार ने ये मान लिया था कि शांति देवी ही लुगदी है, जो केदारनाथ की दूसरी पत्नी थी। लेकिन केदारनाथ शांति को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी और शांति एक नए शरीर के साथ दुनिया में आई थी। शांति देवी ने तय कर लिया था कि अगर केदारनाथ उन्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपना सकते हैं तो वो किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं करेंगी। यही वजह है कि शांति देवी ने आजीवन शादी नहीं की और कुंवारी रहते हुए अपने पिछले जन्म से जुड़ी बातें मीडिया को बताती रही, ताकि उनके पुनर्जन्म की कहानी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। यही वजह थी कि शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उनके ऊपर 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन नाम की किताब भी लिखी गई है। शांति देवी के पुनर्जन्म पर बहुत सारे लोगों को यकीन था, इसलिए बीते वक्त के साथ कई बार उनका इंटरव्यू लिया गया और उनकी कहानी को नए तथ्यों के साथ आम जनता के सामने पेश किया गया था। 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी का निधन हो गया था, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित होकर बिता दिया था। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह के मामले हर धर्म और जाति के लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन शांति देवी का मामला सबसे सटीक और सच्चा मालूम पड़ता है। वहीं वैज्ञानिक भाषा में पुनर्जन्म से जुड़े ऐसे मामलों को अनफॉल्सिफिएबल हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इंसान की ऐसी परिकल्पनाएं जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विज्ञान भी पुनर्जन्म की बातों को पूरी तरह से नकारता नहीं है। हालांकि ये एक पेचीदा सवाल है कि आखिर एक इंसान की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म कैसे संभव है, जिसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। इस टॉपिक को लेकर वैज्ञानिक काफी बार रिसर्च कर चुके हैं, जबकि दुनिया भर में विभिन्न पुनर्जन्म के मामलों पर स्टडी कर चुके हैं। हालांकि ये सवाल आज भी जस के तस बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान के दिमाग में छोटी सी चोट लग जाती है तो वो अपनी याददाश्त खो देता है और कई बार इंसान को जिंदगी भर अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं आती है। ऐसे में एक इंसान का शरीर और दिमाग मृत्यु के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो उसे अपने पिछले जन्म से जुड़ी बातें और लोग कैसे याद रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस महिला की कहानी जिसके पुनर्जन्म पर हर किसी ने विश्वास किया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।